कौन से जानवर सबसे लंबा जीते हैं? हिंद महासागर के कई द्वीपों पर विशाल अल्डाब्रा कछुए रहते हैं। उनके लिए 100 साल से ज्यादा समय तक जीना आम बात है। अनुमान है कि अद्वैता नाम का विशाल कछुआ 255 साल जिया। उसकी मौत के बाद उसके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया, लेकिन असली रिकॉर्ड होल्डर पानी के भीतर ही पाए जा सकते हैं। मसलन ग्रीनलैंड शार्क 500 साल तक जी सकती है। कोई भी कशेरुकी जीव इससे ज्यादा नहीं जीता। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे 150 साल की उम्र के बाद ही प्रजनन करने लायक होते हैं। ग्रीनलैंड शार्क की लंबी जिंदगी की एक वजह उनका धीमी गति से होने वाला विकास है। इसके अलावा उनके प्राकृतिक शत्रु भी कम हैं। अत्यधिक सर्दी भी लंबे समय तक जीने में मदद करती है। इससे पाचन और विकास दोनों धीमे होते हैं। लेकिन एक समुद्री कोहॉग ग्रीनलैंड शार्क से भी ज्यादा जिया है, करीब 507 साल। रिसर्चरों को मिंग नाम का प्रसिद्ध सीपी वाला घोंघा 2006 में आइसलैंड के तट पर मिला था। इसकी उम्र खोल के जोड़ पर लकीरों की गिनती करके मापी गई थी। बाद में इसे कार्बन डेटिंग से भी पुष्ट किया गया। कोहॉग 1499 के आसपास पैदा हुआ था, जो मिंग राजवंश का दौर था। लेकिन अब तक सबसे ज्यादा जीने का रिकॉर्ड वॉल्केनो स्पंज के नाम है, जो अंटार्कटिका के पास महासागर में पाया जाता है। रिसर्चरों का अनुमान है कि उनमें से कुछ 10,000 साल तक भी जीते हैं। लेकिन एक जीव ऐसा है जो हमेशा जिंदा रह सकता है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, जेलीफिश। सिर्फ 5 मिलीमीटर आकार वाली इस मछली में दुर्लभ क्षमता होती है। जब इसकी कोशिकाएं बूढ़ी और नाकारा हो जाती हैं, तो यह समुद्र की तलहटी में डूबती है और फिर युवावस्था में लौट आती है। इस प्रक्रिया को ट्रांस डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसके दौरान यह समान जीन वाली पॉलिप में बदल जाती है, तब यह फिर एक मेडुसा बनती है। अगर कोई समुद्री जीव इसे ना खाए या यह समुद्र तट पर ना जाए और मौत से बची रहे, तो अमर जेलीफिश इसी प्रक्रिया को हमेशा दोहराती रह सकती है।